नहीं कर पाए थे, लेकिन भगवान राम ने जटायु को गोद में लेकर उसका अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि उसने समय को पहचाना था। जो समय को पहचान लेता है वो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। छोटी सी गिरहरी ने समय को पहचाना था और आज भी उसके शरीर के ऊपर जो भगवान राम की कहती हैं उंगलियां अंकित हैं, वो इसी चीज का संदेश देती हैं कि समय को पहचान कर आगे बढ़ने वाला भगवान के आशीर्वाद को हमेशा प्राप्त रहता है। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब गोवर्धन पर्वत उठने को था, भगवान राम सक्षम थे, भगवान कृष्ण सक्षम थे गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए, लेकिन उन्होंने द्वार वालों से सहायता मांगी थी, आप आइए हमारी सहायता कीजिए, हम गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे। छोटी छोटी लाठियां लेकर के द्वार वाले आए, मित्रों सब ने अपनी अपनी लाठी लगाई और गोवर्धन पर्वत उठ गया था। ये सब दर्शित करता है कि भगवान की एक आवाज में हम खड़े हो गए और उनके साथ चलने को तैयार हो गए। भगवान राम सक्षम थे रावण को मारने, लेकिन उन्होंने सारा श्रेय नल और नील, हनुमान और हित और गिरहरी को दिया था। भगवान कृष्ण सक्षम थे गोवर्धन पर्वत उठाने में, लेकिन सारा श्रेय द्वार वालों को दिया था। परंतु गुरुदेव स्वयं सक्षम है कि वो इस धरती पर नया युग ला सकते हैं और लाने का संकल्प उन्होंने लिया है। सूक्ष्म जगत में ये परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, लेकिन वो सारा श्रेय आप सब लोगों को देना चाहते हैं कि आप सब लोगों का थोड़ा थोड़ा समय मिलकर इन विचारों को जन जन तक पहुंचा सके, जिससे लोग अपनी सोच को बदल सके। मित्रों समय परिवर्तनशील है, आगे आने वाले समय में हमको दो क्रांतियां देखने को मिलेंगी। एक क्रांति हमने स्वयं अपनी आंखों से देखी है पिछले 50 वर्ष के अंदर, और वो क्रांति है विज्ञान की क्रांति। आप कहेंगे कैसी क्रांति? आपने से सब लोग अगर 50 वर्ष पीछे चले जाइए और फिर जाकर देखिए कि वो 50 वर्ष पीछे का युग कैसा रहा और आज 50 वर्ष आगे का युग कैसा हो गया, आप पाएंगे कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। 50 साल पहले हमारी माताएं बहने गैस का नाम नहीं जानती थी, चूल्हे पर रोटी पकाती थी, आंखें लाल हो जाया करती थी, लेकिन आज गैस के बगैर घर में रोटी नहीं पकती। कहते हैं गैस नहीं होगी तो खाना नहीं मिलेगा। 50 वर्ष में इतना बड़ा परिवर्तन। आप और थोड़ा सा आगे बढ़िए, कभी रामायण सीरियल आया करता था और हम में से किसी किसी के घरों में एक बड़ा डिब्बा हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी, और वो ब्लैक एंड वाइट टीवी उसमें रामायण देखने के लिए आसपास के मोहल्लों के परिवार के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाया करते थे, बहुत बड़ा टीवी होता था। लेकिन आज अगर किसी के घर में होगा तो वो एक शोकेस के अंदर एक छोटे से मॉडल के रूप में रखा होगा। ब्लैक एंड वाइट टीवी खत्म हो गए, ब्लैक एंड वाइट की जगह कलर टीवी आ गए। कलर टीवी भी अब बड़ा बल्का पत्ते पिचकते 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 इतना पिचकर गया कि वो दीवार के अंदर टांग दिया जाता है। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। यहाँ कभी हमारे जीवन के अंदर टेलीग्राम का बड़ा महत्व हुआ करता था। पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राम कहीं आता था तो आदमी घबरा जाता था, ये टेलीग्राम क्यों आया है, किस लिए आया है, कहीं किसी की दुर्घटना का समाचार लाया है या किसी की खुशी का समाचार लाया है, घबरा जाता था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये टेलीग्राम बीते दिनों की बात हो गई, समय बदला और ये टेलीग्राम बीते दिनों की बात हो गई। आज पोस्टकार्ड नाम की चीज को कोई जानता ही नहीं है कि कभी पोस्टकार्ड हुआ करते थे और बड़े पत्र आया करते थे अच्छे अच्छे, आज वो पोस्टकार्ड पूरी तरीके से लुप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आज कंप्यूटर नाम की चीज आ गई है,
जिसके बारे में आपने 50 साल पहले 40 साल पहले सुना नहीं होगा, लेकिन आज अगर कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो किसी भी नई जॉब में जाने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि भाई साहब कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो ये जॉब हमको कैसे मिलेगी, इस समय की कीमत है, समय कैसे बदल गया। कभी लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, हमारे शांति कुंज के अंदर भी एक पोस्ट ऑफिस में लैंडलाइन फोन होता था, एक मुख्य कार्यालय में एक पोस्ट ऑफिस में, और जब किसी का फोन आता था तो कहते थे कि भाई साहब 10 मिनट बाद फिर से कॉल करिएगा, हम अनाउंस करके उस व्यक्ति को बुलाते हैं। वो व्यक्ति आता था, फिर कॉल होती थी, और आज वो लैंडलाइन फोन जो है वो शोकेस में रखने की जगह हो गई, आज उसकी जगह ऐसी चीज आ गई जिसके बगैर ऐसा लगता है कि अब रहा नहीं जा सकता। कोई चीज भूल जाए उससे काम चला सकते हैं, लेकिन अगर कहीं मोबाइल भूल जाए तो भाई साहब बड़ी परेशानी होगी, मोबाइल के बगैर कैसे काम चलेगा। इतनी बड़ी क्रांति, इतनी बड़ी क्रांति इस विज्ञान ने की। कभी रेडियो हुआ करते थे, ऑल इंडिया रेडियो सुना करते थे, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सुना करते थे, रेडियो की जगह ट्रांजिस्टर ने ली, रिक्शे वाले, तांगे वाले, सब्जी वाले, हर एक के ठेले के अंदर ट्रांजिस्टर बजा करता था। आज ट्रांजिस्टर खत्म हो गए और सबकी जगह सिर्फ एक ही चीज ने ले ली, मोबाइल। मोबाइल में कंप्यूटर भी आ गया, मोबाइल में कैमरा भी आ गया, और इस कैमरे ने मोबाइल के अंदर न जाने कितने फोटोग्राफों की नौकरी को ध्वस्त कर दिया। ये सब क्या है, ये सब समय का खेल है, समय ने कितना बड़ा परिवर्तन किया है। और मित्रों, कभी हमारे स्ट्रीमिंग में हुआ कहीं रिजर्वेशन क्लास दिखाई नहीं देती थी, एसी के डिब्बे दिखाई नहीं देते थे, और आज वो स्टीम इंजन खत्म होकर डीजल के इंजन आ गए, डीजल इंजन खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, और बगैर रिजर्वेशन के कोई जाना नहीं चाहता। मैं जब 1977 में पहली बार कार्यक्रम के लिए निकला था तो कोई रिजर्वेशन नहीं था, बस किस तरीके से किसी बक्से को खिड़की से डाल दिया जाता है उसी तरीके से मुझे भी दो कार्यकर्ताओं ने पकड़कर खिड़की से डाल दिया था, भाई साहब जाइए अगले स्थान पर कार्यक्रम के लिए। और आज कोई कहे ऐसा नहीं, भाई साहब पहले रिजर्वेशन और वो भी कन्फर्म रिजर्वेशन चाहिए। देखा समय का चमत्कार, समय ने कितना बदल दिया। ये विज्ञान की क्रांति हमने अपनी आंखों से देखी है, और इसी तरीके से एक क्रांति और होने जा रही है, वो भी समय के साथ होगी, और वो है विचार की क्रांति। अगर मनुष्य अपने विचारों को बदलने में सफल नहीं हुआ तो मित्रों, पिछले दिनों प्रकृति ने जो हमको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया, वो देखने में हमें फिर अपने आप को तैयार रखना होगा। वो ट्रेलर दिखाया था ना, आज से 3 साल पहले हम और आप मुंह छिपाए हुए फिर रहे थे, मुंह में मास्क लगाए फिर रहे थे, किसी से हाथ मिलाने की बात नहीं करते थे, सब एक दूसरे को दूर से ही आराम से प्राप्त हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे। पैसे की कीमत उसने दिखा दी, अब पैसे की कोई कीमत नहीं है। जेब में पैसा लिए हुए घूम रहे थे कि भाई साहब आप हमारे संबंधी के लिए एक गैस का सिलेंडर दिलवा दीजिए, इतना क्या है पैसा ले लीजिए। नहीं है भाई साहब हमारे, अरे ये दवाई दिलवा दीजिए। नहीं है भाई साहब हमारे पास, एक हॉस्पिटल में बेड ही दिलवा दीजिए। नहीं है भाई साहब पैसा, पैसा दो कौड़ी का हो गया। और हम भगवान न करे उस समय किसी संबंधी को भगवान ने बुलाया, वो मृत्यु हुई हो तो उसको कंधा देने में भी असमर्थ रहे थे, दूर से देख रहे थे कि उसकी चिता जल रही है, लेकिन वहाँ पास नहीं जा सकते थे। ये समय ने दिखाया, समय बहुत बड़ा परिणाम होता है, इसलिए समय की कीमत समझो, और समय की कीमत समझकर उसको पहचान कर, ये समय बार बार नहीं आता, बार बार ये समय नहीं आएगा। जब एक बार समय का पहिया चल जाएगा मित्रों, आप चाहे लाख कहें कि अब हम समय देने के लिए तैयार हैं, तब आपके उस समय की कोई कीमत नहीं होगी। तो
क्योंकि समय का पहिया चल चुका है। इस समय गुरुदेव का आह्वान सिर्फ एक है कि आप इस समय की कीमत को समझें और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास। आप चाहे विद्यार्थी हैं, आप चाहे कोई जॉब